तो सुनीता केजरीवाल को आप सुन रहे थे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो अभियान लॉन्च किया गया है और जो अभियान शुरू किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसी को लेकर के वो कार्यकर्ताओं को नेताओं को संबोधित कर रही थी और 5 गारंटी इस दौरान उन्होंने दी है हरियाणा के लोगों को, ताकि हरियाणा में अपने चुनावी कैंपेन के साथ वो आगे बढ़ सके। चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। की बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक राव दानसिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड खत्म हुई। 16 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई जो है वो पूरी हुई है। ईडी ने 1,42,00,000 रुपए के करीब नकदी बरामद की है। आपत्तिजनक दस्तावेज के साथ कई फ्लैट और प्रॉपर्टी भी जब्त की गई है। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की है। महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक हैं राव दानसिंह और कल से उनके यहां पर छापेमारी चल रही थी। अलग अलग 16 ठिकानों पर छापेमारी हुई है विधायक राव दानसिंह के खिलाफ यह कार्रवाई, और इस कार्रवाई में करीब 1,42,00,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक राव दानसिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, और यह कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। इसमें 1,42,00,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई।